कुशीनगर जनपद के तमकोहिरा तहसील अंतर्गत विकासखंड दुदही क्षेत्र के गौरी श्रीराम टोला बंगला निवासी एवं पूर्व सैनिक जाबिर अली ने मीडिया टीम को बताया कि मेरे खेत के सामने नवीन परती है जिसका आरजी नंबर 2567 है, जिसके तीनों तरफ मेरा घर घोटा है लेकिन भूलवश कुछ लोगों का पट्टा हो गया है। पट्टा निस्तारण हेतु अपर जिलाधिकारी के यहाँ विचाराधीन है तथा न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, लेकिन हल्का लेखपाल को विपक्षीगढ़ अपने प्रभाव में लेकर जबरन पैमाइश कर बाद में खंडा करना चाहते हैं। पूर्व सैनिक जाबिर अली ने उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तब तक मौके पर तथा स्थिति बनाए रखने की मांग की है तथा हल्का लेखपाल द्वारा आरोप लगाया गया कि पैमाइश करने के नाम पर रिश्वत की मांग किया जा रहा है, उसने न्यायालय न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर अली है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, सेना से 22 साल नौकरी करके रिटायर हूँ। किस ग्राम सभा के हैं? गौरी श्राम बंगला टोला के। जिला? जिला कुशीनगर। क्या मामला है? मामला हमारे यहाँ आबादी का है, जो चारों तीनों तरह से मेरा ज़मीन है और आबादी इतने नवीन पत्ती थी जनरल आबादी और कुछ दलाल लोगों ने उस पर मुसावरों को पट्टा करा दिया है, लेकिन पट्टा तो होना चाहिए, तो मिक्स होना चाहिए पूरे गांव का। अब मेरे घर के आंगन में लेकर हरजन आबादी बसा रहे हैं इस पर, और लेखपाल के पास जाने के बाद इसमें वो नापी करने के जोर दे रहा, हम नापी करने आ रहे हैं। लेखपाल कौन है? लेखपाल इसमें विनोद कुमार हैं, गौरी श्रीराम के, और हम बोले कि हमारा इसमें तारीख है, मुकदमा चल रहा दो जगह, एक निरस्तीकरण का, एक ट्रांसफर का, 161 का तमकोई राज में। उसका सवाल जवाब ले जाएगा देने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, हम नापी करने आएंगे। तो इसको लेकर आप उच्च अधिकारियों से नहीं मतलब शिकायत किए हैं? हम यहाँ से तहसीलदार महोदय से मिले थे, वहाँ पर लेकर तहसीलदार महोदय अपने एक्सेप्ट किया और बोले कि अपने पर्सनल असिस्टेंट से कि लेखपाल को बोले इसमें रिपोर्ट लगा के दें। तो लेखपाल क्या बोले? तहसीलदार साहब तो हमको काफ़ी हेल्प किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेखपाल नहीं मान रहा। आज ही नापी करने वाला था, कल जाकर वहाँ से अपना दरखास्त दे के इंडोस करा के लाए एसटीएम से और तहसीलदार से, तब उसके पास दिए हैं तो थोड़ा पीछे हुआ है, लेकिन अभी दबाव बना लेके इसको कोई मतलब नहीं, हम फोर्स लेकर पा देंगे। तो इसमें लेखपाल क्यों इतना मतलब रुचि ले रहे हैं? लेखपाल रुचि ये लग रहा है कि मुसौरों को जमीन खुद अनुसूचित हरिजन कास्ट का है और जातिवाद कर रहा है, कुछ पैसे की डिमांड करते रहते हैं, जिधर से पाते जिधर से पाते। आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं? हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। कितना मांग रहे थे? अब तो थोड़ा सा कबर में है, लेकिन उनका इशारा था कि मोटा रकम चाहिए, लगभग 1,00,000 रुपये तक। 1,00,000 का डिमांड कर रहे? 1,00,000 की डिमांड कर रहे हैं। लेखपाल साहब? लेखपाल साहब। तब फिर आगे आपके क्या आगे है? हमारा यहाँ पर एक बिहार से आकर तो आपके आंगन में जो है हरजन बस्ती बसाने का उनका क्या मकसद है? उनका मकसद है मुझे प्रताड़ित करना, ताकि बीच में लगे रहेंगे, इनके अब मुकदमे फंसे रहेंगे। जबकि मुसौरों का हमारे जो चक है 3-4 बीघा का, उस किनारे पर आले डोन का पट्टा हुआ है 7-8 लोगों का, हम अपनी ज़मीन बदल कर नियम अनुसार जो चकबंदी के नियम 161 का थे, अपने ज़मीन बदल सकते हैं अगर आपके सहन में है तो, उसी का हम मुकदमे लड़ रहे हैं कि चेंज करके वहाँ चला जाए। कुछ दलाल किस्म लोग हैं कि इनके घर के पास लिया, कि ये गिरजेश चौबे यहाँ पर जो काफ़ी लोगों को प्रताड़ित कर रखे, अपना फोटो लगा के ले आकर टाइमिंग डालता है, आज जो नियम में नहीं था पहले, जैसे 10 साल पहले 20 साल पहले मुसहरों की ज़मीन कोई लिखवा लेता था, अब शायद नियम हुआ है कि मुसहरों की ज़मीन मुसहरी लिखाएंगे, हरजन की ज़मीन हरजी में लिखाएंगे, क्योंकि उसमें जाके ये डाल रखा है। और 3-4 दिन पहले अधिवक्ताओं ने उसकी पिटाई भी किया है तहसील में, जो कायम जाके डाल रखा था वहाँ पर, और वहाँ पर लोग को डिमांड करता है पैसे से। अगर यहाँ से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तहसील से, तो अगला कदम क्या होगा आपका? उससे ऊपर जाएंगे, जिलाधिकारी के पास जाएंगे, जिलाधिकारी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हम अपना हक मांगे। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, हमारा सम्मान नहीं किया, उससे बात करना, वह तमीज से बात करता है। कौन बात करता है? लेखपाल जो विनोद कुमार है, हम बोले कि हमारा इसमें तारीख चला, इसी की रिपोर्ट लगेगा, आप हमको टाइम दे दीजिए, हमारा मुकदमा चल रहा है। बोला हम टाइम नहीं देंगे, मुकदमा का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे हजारों हमने फड़वा के फेंक दिया, नपवा के दे दिया। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे हजारों रुपये तो ना कि आप कब्जा करा के दिखाएंगे, हम कल की बात है। लेखपाल जो है आपसे ऐसे बात करते हैं? मेरे से लेखपाल ऐसी बात, किसी का संरक्षण उन पर प्राप्त है क्या? अब जो भी संरक्षण प्राप्त होंगे, दलालों को संरक्षण प्राप्त है, यहाँ पे जो बैठते हैं चौराहे पर उन लोगों को सहयोग देते हैं, अपना ऑफिस बना के बैठे हैं वहाँ पर, जो लोग बोलते हैं वहीं पर ही सुनते हैं, वो लोगों को सुनते हैं, नियम से नहीं चलते हैं।